राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों में बारिश के थमने से भले ही लोग ने राहत की सांस ली हो, लेकिन अब यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में मंगलवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसके चलते आसपास के निचले इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पानी का जलस्तर बढ़ने से पुराने यमुना पुल से ट्रकों ने नई दिल्ली के रास्ते चलने के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। यमुना का जलस्तर इस समय 206.59 मीटर तक पहुंच गया है। जलस्तर में और वृद्धि आने की आशंका के मद्देनज़र लोगों को सावधान करने के लिए घोषणा जारी कर दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि प्रभावित निचले इलाकों में बड़ी संख्या से सिविल डिफेंस वर्कर्स को तैनात कर दिया गया है, ताकि जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आने तक लोगों को घर जाने से वापस रोका जा सके। यमुना ने आसपास के इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। बता दें, निचले इलाकों में कम 37,000 लोग रहते हैं। पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट अनिल बाकी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली प्रशासन ने लगभग 6,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकार आज सुबह 1 से 4 बजे तक पल्ला क्षेत्र में लगातार यमुना का स्तर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अधिकारियों ने हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से सुबह 7 बजे तक लगभग 96,000 क्यूसेक पानी छोड़ने जाने की सूचना दी है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।